नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर के ऑडियो बुलेटिन में। भोपाल में पीएम के स्वागत की तैयारी, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की दीवारों पर दिखेगा गोंड आर्ट, 15 पेंटिंग बन रही, आदिवासी समुदाय पारंपरिक वेशभूषा में रहेंगे। बरगी से कांग्रेस विधायक संजय यादव के छोटे बेटे विभव यादव ने खुद को गोली मारने से पहले सुसाइड नोट छोड़ा, लिखा मैं अभी मैच्योर नहीं हूं, मेरी मौत का दुख मत मनाना। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशन हुड एंड आर्ट टाइम्स पर एमपी में लगेगा बैन। हमीदिया हादसे में खुलासा, दिवाली के दिन 4 वेंटिलेटर में हुआ था शॉर्ट सर्किट, इनमें से एक में 8 नवंबर को लगी आग। कंगना के खिलाफ छिंदवाड़ा से ऑनलाइन कंप्लेन, गोंगपा नेता ने मुंबई पुलिस से शिकायत की, एक्ट्रेस की आजादी को लेकर दिए बयान पर आपत्ति। ओलंपिक में ब्रॉन्ज पदक विजेता विवेक सागर की कप्तानी में उतरेगी भारतीय हॉकी टीम, 13 नवंबर को मिलेगा अर्जुन अवार्ड। डेंगू का कहर, गुरुवार को एक बच्चे की मौत, 53 डेंगू पॉजिटिव, इनमें 42 ग्वालियर के, सिर्फ 22 दिनों में निकले 1097 मरीज। महाकाल मंदिर में दर्शन व्यवस्था में बदलाव, आज से शीघ्र दर्शन की सुविधा ऑनलाइन, भस्मारती में 1500 श्रद्धालुओं को मिलेगी अनुमति। टीकाकरण में लापरवाही बरतना पड़ा भारी, कलेक्टर राजीव रंजन बोले नो वर्क नो पे, 4 सचिव निलंबित, 2 को नोटिस, 17 को भी है महाअभियान। हबीबगंज स्टेशन पर जाने वालों के लिए जरूरी खबर, शनिवार से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पूरी तरह रहेगा बंद, सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 5 से ही मिलेगा प्रवेश। ये थे अब तक के मुख्य समाचार, खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें इंडिया खबर।